और इसमें कुछ शीर्षक सामान्य वाले पढ़ेंगे, कुछ साहित्यिक वाले पढ़ेंगे, लेकिन ये काव्यखंड का जो पाठ 5 है, जो सुमित्रानंदन पंत का है, जीवन परिचय दोनों के लिए है, साहित्यिक सम्मान दोनों के लिए है। तो सुमित्रानंदन पंत, जैसा कि उनको उनकी विशेषता है, उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये छायावाद युग के कवि। तो इनके जीवन जीवन परिचय पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। तो आइए देखते हैं सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। तो इनका पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत था, इनका उपनाम गुसाई दत्त, अन्य नाम में बसवंतानंद को क्या कहते थे, गुसाई दत्त कहते थे। ये इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था, जन्म 20 मई 1900 में कौसानी, उत्तराखंड के कौसानी नामक स्थान पे हुआ। मृत्यु भूमि या मृत्यु स्थान क्या है, 28 दिसंबर 1977 में ये मरे थे और इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद कर्म भूमि, इन्होंने जितनी रचनाओं का उनको लिखा है इलाहाबाद में लिखा है। कर्म क्षेत्र इनका ये अध्यापक रहे हैं, लेखक का कार्य भी किए हैं और कवि तो रहे ही है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि, छायावाद का चार स्तंभ में प्रमुख स्तंभ माना जाता है। मुख्य रचनाएं इनके लीला, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपत, स्वर्ण की रंग, कराकरा और मुखाचांद आदि इनकी और अन्य रचनाएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को यहाँ दर्शाया गया है। फिर आइए तो देखते हैं ये विषय, किस किस विषय पर लेखन कार्य करते थे। ये गीत लिखते थे और कविताओं को लिखते थे। इनकी भाषा हिंदी थी, लिखने की शैली क्या थी, लिखने की भाषा क्या थी, हिंदी थी। और ये कहाँ से पढ़े थे, जय नारायण हाई स्कूल और सानी से पढ़े थे, और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय जो है इलाहाबाद में वहाँ पढ़े थे। पुरस्कार और उपाधि, किस किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार था, पद्म भूषण पुरस्कार था, साहित्य अकादमी, लोकायतन, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, लोकायतन रचना है जिस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको मिला है। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार भी चिदम्बर अरस्ता को मिला है। नागरिकता, ये भारतीय थे, आंदोलन, किस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है, रहस्यवाद जो छायावाद का मुख्य है, रहस्यवाद भी कहते हैं इसको, और प्रयोगवादी का मुख्य रहे। उपाधि माने अवधि, किस अवध में इन्होंने कार्य किया, मुख्यतः इन्होंने छायावादी अवध में कार्य किया, क्योंकि छायावाद के चार स्तंभों में प्रश्न जिसे कहा जाता है, प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और निराला। तो ये पंत जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि किया कहा जाता है। अब इसके बाद हम इनके रचना नौका विहार को पढ़ाएंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, एसआईसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस शीर्षक को पढ़ने जा रहे हैं, नए संशोधन के अनुसार, उस सिलेबस का संशोधन हुआ है, उस संशोधन के अनुसार यह नौका विहार और बापू के प्रति, यह दोनों शीर्षक सामान्य हिंदी वाले पढ़ेंगे और परिवर्तन साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ेंगे। यह वीडियो, यह काव्य केवल सामान्य हिंदी वालों के लिए है। तो यह नौका विहार जो है सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित यह एक कविता है, जिसमें चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में है। जल के प्रतिबिंब, चंद्र, तारा, आकाश आदि में जब पड़ता है तो उसकी जो सुंदरता होती है, उस सुंदरता का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम, सतत प्रवाह और वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन कवि करता है। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं और शब्दार्थ को, एक एक शब्दार्थ को समझते हुए इसकी व्याख्या को समझते हैं। कविता देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु, दीपित
मृदु करतल, लहरें उस उर पर कोमल कुंतल। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार, तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है मृदुल वर्तुल मृदुल लहर। अब इसमें ऐसी गंगा का वर्णन है। चांदनी रात में कवि अपने कुछ मित्र मंडली के साथ जब नौका विहार के उद्देश्य से गंगा के तट पर जाता है, तो सबसे पहले गंगा की सुंदरता को देखकर, जो ग्रीष्मकालीन गंगा है जो सिमट गई है, प्रायः जब बरसात या और वर्षा सीजन में, वर्षा के मौसम में या ऋतु में जब गंगा का जलस्तर बढ़ा रहता है, जो गर्मी के मानी ग्रीष्म ऋतु में गंगा का जलस्तर या किसी भी जलाशय का जलस्तर कम हो जाता है, तो ऐसे गर्मी के महीने की गंगा की स्थिति का वर्णन किया गया, मानी ग्रीष्म ऋतु के गंगा के जल का वर्णन इसमें किया गया है कि जब वो सिमट करके पतली हो जाती है तो कैसी दिख रही है, उसकी सुंदरता का वर्णन है। देखते हैं इसमें, पहला है थोड़ा इसका शब्दार्थ एक बार देखेंगे। स्निग्ध, स्निग्ध माने होता है शीतल माने तरल। ज्योत्सना होता है चांदनी। उज्ज्वल माने सफेद। अपलक, अपलक निर्विमेश कहते हैं एक टक देखना। अनंत माने जिसका अंत न हो, वह आकाश का पर्यायवाची है। नीरव माने होता शांत, माने जहाँ एक शब्द भी ना हो। भूतल धरातल माने पृथ्वी का संकेत है या धरातल। सेकत माने होता है बालू, बालू जिसे हम रेत कहते हैं। सया माने सेज जिसमें हम सोते हैं, जिसे बिछावन भी कहा जाता है। दूध माने दुग्ध, दुग्ध माने दूध होता है। धवल माने सफ़ेद। तनवंगी, तनवंगी होता है दुबली पतली माने कृशकाय शरीर वाली। ग्रीष्म विकल माने गर्मी के कारण शिथिल पड़ी हुई। श्रांत थकी हुई। क्लांत माने थकावट के कारण दुखी, ठीक है। तापस बाला तपस्विनी बालिका। निर्मल माने स्वच्छ। पावन शशिमुख माने चंद्रमा के समान पवित्र। दीपित माने प्रकाशित। मृदु करतल माने कोमल हथेली। उर माने छाती। कुंतल माने केश या बाल कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि जब गंगा को देखता है तो उसका वर्णन किया गया है, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। जब रात्रि में नौका बिहार के उद्देश्य से कवि जब वहाँ पहुँचता है, गंगा के तट पर पहुँचता है, यह इलाहाबाद का वर्णन है, तो कवि कहता है कि चारों तरफ शांत तरल, तरल माने होता है कोमल, उज्ज्वल चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। ऐसी स्थिति में जो उज्ज्वल धुली हुई चांदनी जो है, खिली हुई चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, और ऐसे चांदनी रात में अपलक अनंत नीरव भूतल। अनंत माने जो आकाश है, अपलक माने बिना पलक झपकाए अर्थात टकटकी निगाहों से, भूतल माने पृथ्वी को देख रहा है। और पृथ्वी कैसी है? नीरव, नीरव माने अत्यधिक शांत है अर्थात शब्द रहित है, माने पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसे मनोहर वातावरण में जो सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। मतलब ऐसे मनोहर वातावरण में, ऐसे सुंदर वातावरण में क्षीणधार वाली गंगा, क्षीणधार वाली गंगा माने तनवंगी, तनवंगी माने बहुत दुबली पतली जो गंगा है, क्षीणधारा माने पतले धारा वाली जो गंगा है, वह बालू के बीच सैकत सया पर दुग्ध धवल, बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है, जैसे कोई छरहरे माने दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सया पर
ग्रीष्म विकल मने गर्मी से व्याकुल होकर के थकी मुरझाई अपने शांत मने श्रांत शांत मुद्रा में अपने थकान को मिटाने के उद्देश्य से लेटी हुई है। फिर ऐसी स्थिति में तापस बाला गंगा निर्मल सशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उस पर कोमल कुंतल। अब गंगा के जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब झलक रहा दिखाई दे रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा रूपी जो तपस्विनी बाला है, गंगा रूपी तपस्विनी बाला अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रख कर लेटी हुई हो। माने उसके जो तट थे वो मानो उसके कोमल हथेली हों और उसका चंद्रमा का जो प्रतिबिंब था उसमें जो दिखाई दे रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे गंगा रूपी तपस्विनी बाला अपने चंद्रमुख को अपने कोमल हाथों पर रख करके लेटी हुई हो। और उसके बाद लहरें उस पर कोमल कुंतल और उसमें जो छोटी छोटी लहरें जो उठ रही थी उसके गंगा के जलधारा में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लहराते हुए कोमल केश हैं, गंगा रूपी सुंदर नायिका के लहराते हुए कोमल केश हैं। उसके बाद गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल का नीलांबर। अब ऐसी स्थिति में जब चंचल अंचल का नीलांबर, नीलांबर जो है आकाश जो है वो तारों से चंद्रमा से भरा हुआ जो आकाश है उस आकाश का जब प्रतिबिंब गंगा के जलधारा में पड़ता है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे अंग जो हैं, गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों का स्पर्श से बार बार वह कांपता हुआ तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। माने उसका जो नीलांबर माने आकाश का नीला प्रतिबिंब गंगा में पड़ रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बार बार माने उसके जो उसमें जो लहर उठ रही है तो ऐसा लग रहा है मानो वह नीले रंग का वस्त्र है जो उसके स्पर्श से गंगा के गंगा रूपी नायिका के स्पर्श से वह लहरा रहा है, हवा में उड़ रहा है। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है मृदुल वर्तुल मृदुल लहर। उसके बाद आकाश रूपी जो है आकाश रूपी नीला जो आंचल है वह चंद्रमा की कोमल चांदनी को प्रकाशित करते हुए छोटा 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 कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें जो हैं ऐसा प्रतीत हो रही हैं मानो गंगा रूपी नायिका के लेटने के कारण उसके रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। समझ आ गया? यह गंगा रूपी नायिका का वर्णन है। वह ऐसा लग रहा है जैसे शांत रात्रि का समय है, गर्मी के महीने का रात्रि का समय है, गंगा रूपी नायिका दुबले पतले शरीर वाली गंगा रूपी नायिका ऐसे नीरो मने शब्द रहित वातावरण में शांत अपने थकान को मिटाने के लिए मानो सफ़ेद धुली हुई चद्दर पर विश्राम कर रही है और तपस्विनी बाला जो है उसका जो चंद्रमा का प्रतिबिंब उसके जल में पड़ता है ऐसा लगता है उस गंगा रूपी नायिका का मुखमंडल है और उसकी जो उठती हुई लहरें हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसके कोमल केश हों माने सुंदर बाल हों। बार बार जो स्वच्छ चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ता है और बहुत सारे जो तारों का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लग रहा है मानो उन गंगा रूपी नायिका का नीला सुंदर वस्त्र है जिसमें बहुत सारे तारे जड़े हुए हैं और उसमें लहरा रहे हैं और जो उसमें वर्तुल मृदुल लहर जो है गोलाकार मृदुल लहर है ऐसा लग रहा है गंगा रूपी नायिका के सोने के कारण उस रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। अब इसमें काव्य का सौंदर्य देखते हैं, किसका भाव पक्ष क्या है। यहाँ गंगा की विशेषताओं को तपस्विनी बाला के रूप में प्रकट किया गया है अतः इसमें शांत रस है।
ठीक है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक छंद शैली है, और इसमें अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास मानवीकरण, उपमा, शांग रूपक आदि अलंकार है। गुण इसमें माधुर्य है और लक्षणा शब्द शक्ति है। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृद मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, प्रतिबिंबित हो रजत पुलिक निर्भर, दोहरे उठते लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। अब इसमें अभी तक तो गंगा रूपी नायिका का वर्णन किया गया है, गंगा नदी का वर्णन किया गया था। अब जब वह नौका विहार करने के उद्देश्य से कभी चढ़ता है उस नौका पे जाने का प्रयास करता है, उस समय कौन सा है, इसमें बताया गया है कि चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात है और चांदनी रात का प्रथम पहर है। इसमें देखिए सत्वर माने शीघ्र में तेजी से के साथ, सिकता माने होता है बालू या रेत, सस्मित सस्मित माने मुस्कुराती हुई, सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर माने इसमें मुस्कुराती हुई, इसमें पाल पाल होता है, पाले लगी उठा लंगर माने पाला माने नाव का वेग होता है, माने नाव के वेग को जब बढ़ाने के लिए जो लंगर उठाया जाता है, जो डंडा लेते हैं उसे लंगर कहा जाता है। फिर उसके बाद मृदु माने मधुर होता है, मंद मंद माने धीमी धीमी होता है, लघु तरणी माने छोटी नौका, छोटी सी नाव, हंसनी सी सुंदर माने हंसनी के समान, उसके बाद तिर रही माने तैर रही है, पर माने पंख पर, सुचि सुचि माने होता है माने पवित्र, जिसे स्वच्छ कहा जाता है, साफ कहा जाता है, बिंबित माने प्रतिबिंब जिसे छाया कहा जाता है, रजत पुलित माने चांद सा चमकता हुआ किनारा, फिर उसके बाद रुपहले किनारे जिसको कहते हैं, अमन माने होता है शांत, और वैभव माने ऐश्वर्य, सघन माने प्रचुर मात्रा में। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसमें प्रसंग देखते हैं कि इस पद्यांश में चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का मनोरम चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात का प्रथम पहर है, फिर उसके बाद हम चले नाव लेकर सत्वर, नौका विहार करने के लिए छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर, लो पाले चढ़ी लुठा लंगर। कवि कहता है कि गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, गंगा का जो तट है ऐसा रम्य मने सुंदर लग रहा है, मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी का भ्रम चारों तरफ भ्रमण कर रही हो, ठीक ना। और ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नाव की जो पाले हैं नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई, और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए, लंगर माने जिसे हम खेते हैं, नाव को खेते हैं। अब उस सुंदर नौका का वर्णन किया गया है कि माने कभी क्या कहता है कि नौका विहार के उद्देश्य से वो गंगा के तट से नाव को खोल लिए, और उसकी जो छोटी नाव थी मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, कि वह छोटी सी जो नौका थी वह कैसा प्रतीत हो रहे थे, धीरे धीरे मृदु मंद मंद मंथर मंथर मन धीरे धीरे जब वो नौका उस गंगा के जल में धीरे धीरे अंदर जा रही थी, बीचों बीच धारा में जा रही थी, तो वह चांदनी रात में वह छोटी नौका कैसी प्रतीत हो रही थी, हंसनी से सुंदर ऐसा लग रहा था
जैसे वह छोटी सी हंसनी है जो धीरे धीरे उस जल में तैर रही है। वो कैसे तैर रही है? तिर रही खोल पालों के पर, माने पाला जिसे खेते हैं, ऐसा लग रहा है मानो हंसनी अपने पंख को खोल ली है और उस नौका के माध्यम से उस जल में विहार कर रही है, घूम रही है। निश्चल जल में सुच दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुलित निर्भर, दोहरे उठते लगते क्षण भर। उसके बाद गंगा के शांत और निश्चल जल में, शांत और निश्चल जल में जब उसका माने किनारे जो तट होता है उसका जो किनारा दिखता है, तट की सुंदरता जो दिखाई देती है, तो ऐसे सुच दर्पण पर माने गंगा के का जो पवित्र जल है, शांत जल है, उसमें जब किनारे माने तट का जब प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है मानो कि चारों तरफ वो तट एक दूसरे से मिल गया है या दोहरा गया है। उसके बाद काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। ऐसी स्थिति में जो काला कांकर का जो प्रयागराज में या गंगा इलाहाबाद में जो काला कांकर का राजभवन था, जहाँ कभी अपने मित्र मंडली के साथ रुका हुआ था, ऐसा राजभवन गंगा में जब प्रतिबिंबित होता है, गंगा के जल में जब दिखाई देता है, तो ऐसा लग रहा है मानो राजभवन गंगा रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों पर शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न में तैर रहा है। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाव पक्ष जो है इसमें शांत रस है और भाषा पूर्वत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है और चित्रात्मक शैली है, अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा रूपक आदि अलंकार है और अविधा लक्षणा शब्द शक्ति है। इस प्रकार यह दो कविता हुआ। अब आइए नौका विहार की तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, मल पैरती परी सी जल में कल, रूपहरे कचों उसमें हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसमी का शश निस्तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। तो इस कविता में वर्णन किया गया है कि जब कवि अपने मित्र मंडली के साथ उस छोटी सी नौका में प्रवेश कर विहार कर रहा है और विहार करता हुआ जब उठती हुई जो तरंगें हैं उस तरंगों में, उस जल की धारा में, उस तरंगों में जब आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस समय जो गंगा की अपूर्व छटा है, सुंदरता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो देखते हैं कि नौका से उठती जल हिलोर, चलती हुई नौका से जब जल में हिलोर में तरंगे उठती हैं तो हिल पड़ते नभ के ओर छोर, तो ऐसा लगता है कि मैंने गंगा में प्रतिबिंबित आकाश का जो छोर है, आकाश जो है इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। और अगला है, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। अगला है कि विस्फारित नयनों से निश्चल, जो तारों का समूह है माने उस गंगा के जल में तारों के आकाश में रहने वाले तारों का जो समूह है, जब उस गंगा के जल में उसकी परछाई दिखाई देती है तो ऐसा लगता है मानो तारों का दल उस गंगा के जल में अंदर प्रवेश कर उसके एक भाग में प्रकाश फैला करके, माने ज्योतिष नभ का अंत स्थल, माने एक भाग में प्रकाश फैला करके जहाँ पे चंद्रमा का भाग है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकाश फैलाए, अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर, विस्फारित नयनों से निश्चल माने आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, माने कुछ उसमें खोज रहे हैं। कौन खोज रहा है?
तारों का समूह, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ प्रकाश लेकर के और उसमें उस जल में प्रवेश करके कुछ अमूल्य चीज ढूंढ रहे हैं। उसके बाद जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। उसके बाद गंगा रह रह करके उठने वाली जो चंचल लहरें हैं, उस लहरों का वर्णन किया गया इसमें कि लहरें भी जो हैं अपने आंचल की आड़ से जो तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपक जो हैं उसको छिपा कर प्रति क्षण ऐसा लग रहा है जैसे लुकती छिपती सी प्रतीत हो रही हैं, अर्थात उससे लुका छिपी खेल रही हैं। ठीक आगे है कि जो शुक्र का तारा है उसका वर्णन किया गया है। आकाश में शुक्र शुक्र के तारे का जब प्रतिबिंब उस गंगा के जल में दिखाई देता है तो कैसा प्रतीत होता है, देखिए। मल पैरती परी सी जल में कल रूपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुकझुक दशमी का शश निर्तेरियक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब इस दो लाइन में शुक्र के तारे का वर्णन है। मल में पैरती परी सी जल में कल, वहीं पास में जो शुक्र का तारा है उस तारे की झिलमिलाती परछाई जब जल में किसी सुंदर परी सी वह तैरती हुई दिख रही है, यानी वह जो शुक्र का तारा है उसकी जो झिलमिलाती हुई परछाई जल में पड़ रही है, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे सुंदर कोई परी है जो जल में तैर रही है। और रुपहरे कचों में हो ओझल, माने जो सफेद चमकती हुई जल की तरंगों में उसकी परछाई जो है ओझल होने का दृश्य इतना सुंदर है कि कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे चांदी के चमकते हुए जो केश हैं, कच्छ माने केश होता है, सुंदर केशों में परी के छिप जाने का आभास होता है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे गंगा रूपी नायिका के केश की सुंदरता को और बढ़ाने के उद्देश्य वह शुक्र का तारा रूपी जो एक मणि है, चमकता एक धातु है, जो उसके केशों की सुंदरता को बढ़ा रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का जो केश बाल है उसमें परी के समान छिप जाने का उसमें आभास होता है, जब किसका इसमें वर्णन है, शुक्र के तारे का वर्णन है। फिर उसके बाद लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शश निस्तिर्यक मुख, जल में प्रतिबिंबित दशमी का चांद का तिरछा मुख। दशमी का चांद माने पूर्णिमा का दिन 15वां दिन होता है, दशमी का चांद भी कुछ समय बाद वह पूर्ण हो जाता है। तो दशमी का जो चांद है माने दसवें दिन का, जो शुक्ल पक्ष के दसवें दिन का जो चांद है, ऐसा लग रहा है जैसे तिरछा मुख किए, तिरियक मुख मन तिरछा मुख किए, लहरों में लहरों की चंचलता में वो भी छुप जाता है और कभी कभी साकार होता है, मैंने कभी उस हिलते हुए जल की धारा में कभी छिप जाता है, कभी सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। और ऐसा लग रहा है कभी ऐसा कभी उसको देख करके कभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अपने ही रूप यौवन से मुक्त होकर के मुग्धाशीला नायिका, जो मुग्धाशीला नायिका माने लज्जाशीला कहते हैं, लज्जाशीला नायिका जो है अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है और कभी उससे बाहर निकाल लेती है। अब ये पूरा हो गया, इसमें किसका वर्णन किया गया है कि कवि जब नौका में बैठ करके उस नौका विहार करता है, नौका विहार करता हुआ जब आकाश और आकाश में तारे चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो उस समय प्रतिबिंबित तारे का और शुक्र के तारे का जो सुंदर प्रतिबिंब पड़ता दिखाई देता है उसकी सुंदरता का कुछ उपमा के माध्यम से वर्णन किया है। अब आइए इसका काव्य का सौंदर्य देखते हैं। इसमें गंगा के जल में पड़ने वाली परछाई के माध्यम से आकाश तारों और चंद्रमा के सौंदर्य पक्ष को दिखाया गया है। प्रकृति का वर्णन है इसलिए उसमें शांत रस है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। प्रतीकात्मक छंद है, उपमा अलंकार, रूपक मानवीकरण अलंकार है, गुण माधुरी है,
और शब्द शक्ति लक्षणा है। अब आइए अगला पढ़ते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भू रेख सी अराल, अपलक नभ में नवनील नयन विशाल, माँ के उर्पर शिशा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल को, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को विलो। अब इसमें नौका विहार करते हुए दोनों तटों को, जो दोनों तट हैं उसके प्राकृतिक दृश्यों का मनोहर चित्रण किया गया है। तो कवि कवि का जो नाव है, वह नाव जब गंगा के बीच में पहुंचता है तो उस समय का वहां वर्णन है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, यानी कवि की नाव जब गंगा के मध्य धार में पहुंचती है तो वहां से चंद्रमा की चांदनी, ये चमकते हुए जो रेतीले तट हैं, वह अस्पष्ट दिखाई नहीं देते। माने जो वहां से जो प्रवेश किया था कवि, जब वो नाव पे सवार हुआ था, जो दिखाई देता था धीरे धीरे मध्य बीच नदी की धारा में पहुंचने के बाद, वह कवि को दिखाई नहीं देता। और ऐसा लगता है जैसे दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृश कोमल करीर शरीर, आलिंगन करने को अधीर, कि कवि को वो दोनों जो छोर हैं, दोनों जो तट हैं, वो देखने से कवि को ऐसा लग रहा है जैसे जो जो दोनों किनारे हैं वह गंगा जैसी दुबली पतली नायिका के कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों, माने उसे अपने बाहों में लेना चाहते हों, और उसके बाद उस नौका में कवि बैठा हुआ था, जो चारों तरफ क्षितिज की स्थिति दिखाई देती है। क्षितिज किसे कहते हैं? आकाश और पृथ्वी का जो मिलन होता है, जो स्थान होता है, उसे क्षितिज कहा जाता है। तो कभी भी आप दूर से देखिए तो चारों तरफ बहुत सारे वृक्ष, पंक्ति में वृक्ष दिखाई, भले ही वहाँ पंक्ति में वृक्ष ना हो, लेकिन दूर से ऐसा लगता है बहुत सारे वृक्ष हैं जो पंक्ति में लगे हुए हैं। तो जब उस नौका में बैठा हुआ कवि क्षितिज की तरफ ध्यान देता है, दूर क्षितिज पे ध्यान देता है, तो उसे कैसा प्रतीत होता है? जैसे बिटप माल माने वृक्षों का जो समूह है, वह समूह जब उसे दिखाई देता है तो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश, माने ऐसा लग रहा है मानो वे आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं। वह पंक्ति से लगा हुआ जो वृक्षों का समूह है, दूर से लग रहा है मानो नीले आकाश के विशाल नेत्रों का वह तिरछी भौहें हैं जो धरती को एक टक निहार रहे हैं। ठीक, अपलक नव नील नयन विशाल, माने अपने विशाल नेत्रों से पृथ्वी को अपलक, बिना पलक झिपकाए उसे पृथ्वी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक, अब आगे क्या है कि माँ के उर्पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। अब क्षितिज की स्थिति को भी यहाँ खत्म कर दिया गया। अब आगे क्या, किसका वर्णन है कि एक छोटा सा द्वीप है, छोटा सा द्वीप जो उस जल में ही है, वह देख करके कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है? इसमें बताया गया है कि वहां पास में ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को क्या कर रहा है, विपरीत प्रतिपने होता है, उपमा का उल्टा, प्रतिपने होता है उल्टा, माने उसकी दिशा को, उस जल धारा की दिशा को उल्टा कर रहा है। जब जल की धारा एक तरफ चलते हुए आगे बढ़ती है और कुछ किसी चीज से टकराती है तो पुनः वह वापस हो जाती है, तो उस द्वीप से जलधारा टकरा करके उसका प्रवाह कैसा हो जाता है, प्रतिपने उल्टा हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि माने लहरों के प्रवाह से उसकी दिशा, उस धारा की दिशा को वह टकरा करके उसे मोड़ दे रहा है।
और गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा सा नन्हा सा बालक है जो अपनी माता के हृदय पर, माने माता के छाती से लगकर सो रहा है, उसके हृदय पर सो रहा है। उसके बाद वही गंगा नदी के ऊपर एक पंछी बोलता हुआ उसे माने पंछी की आवाज सुनाई देती है कवि को। तो क्या कहता है, वह कौन विहग, क्या विकल को उड़ता निज हरने निज विरह शोक। कवि कहता है कि जो चक्रवाक पंछी है, जो शापित पंछी है, जिसका जोड़ा रात में एक दूसरे से बिछड़ जाता है, तो कभी उस रात्रि में उस चक्रवाक पंछी की आवाज़ सुन करके कहता है कि गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी कूदते हुए देखकर कवि यह सोचता है कि कहीं वह चक्रवाक तो नहीं है, माने चकवा पंछी तो नहीं है, जो भ्रमवश जल को अपनी ही छाया को, माने जो जल में उसकी पड़ने वाली जो छाया है, जो प्रतिबिंब है, अपनी छाया को चकवी समझकर उसे पाने की इच्छा में क्या कर रहा है, विरह शोक को हरने का की चेष्टा कर रहा है, माने अपने विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल होकर के आकाश में उड़ता ही जा रहा है। ठीक, माने उस जल के ऊपर से उड़ते हुए एक छोटे से पक्षी को देख करके कवि क्या सोचता है, कहीं वह चकवा तो नहीं है जो अपनी प्रतिबिंब अपनी छाया को जल में देख करके वह भ्रमवश अपने जो उस चकवी है उस छाया को चकवी समझ करके उसे पाने की इच्छा से अपने विरह वेदना अपने विरह के दुख को मिटाने के लिए व्याकुल होकर के वह आकाश में उड़ता जा रहा है। अब इसका भी जो काव्य का सौंदर्य है इसको देखते हैं। इसमें कहीं कहीं श्रृंगार रस ही है, शांत रस तो प्रकृति का वर्णन है, फिर भी कहीं कहीं इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। भाषा पूर्ववत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक शैली है, अलंकार अनुप्रास रूपक उपमा और मानवीकरण का है, और इसमें नीचे है भ्रांतिमान अलंकार है जिसमें कौन बिहग है क्या विकल सो, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति लक्षणा है। अब आइए अगला पढ़ते हैं। पतवार घुमा अप्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फिन स्पार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमन, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिस्तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ ससी सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहस था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। अब इसमें माने इस पद्य के माध्यम से कवि नौका विहार के दौरान गंगा में प्रतिबिंबित रूप में पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के नृत्य का वर्णन किया है। पतवार घुमा अप्रतनुभार, माने बीज धारा में पहुंचने पर अथाह जल होने के कारण इस जो नौका का जो स्वाभाविक रूप से भार होता है वह कम हो जाता है, तो कवि के नौका की का भार भी कम हो गया, माने वह हल्का हो गया। अब इसके बाद इसी आधार पर कवि कहता है कि जब मेरी नौका गहरे पानी की धारा के मध्य जा पहुंची, इस समय उसका भार प्रतन भार माने उसका भार बहुत कम हो गया, उसके भार में अत्यधिक कमी हो गई, और तब मैंने नौका घूमी विपरीत धार, मैंने अपनी नौका को विपरीत दिशा में मोड़ दिया, माने मैंने अपने पतवारों को घुमाकर नाव की धारा को विपरीत दिशा में कर दिया। उसके बाद डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फन फेन स्पार, बिखरती जल में तार हार। उसके बाद जब मैं पतवारों को घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में कर रहा था, तो पतवारों के चलने के कारण उस गंगा के जल में बहुत अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहा था, और ऐसे उत्पन्न हुए झाग के दृश्य को देखकर कवि अपनी कल्पना को उसमें पिरो देता है
और कवि कहता है, ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि डांडों से चल करतल प्रसार, माने वो जो पतवार रूपी जो करतल माने हाथ था, ऐसा लग रहा था मानो वह अपने हथेलियों को फैला करके जो झाग उसमें उत्पन्न हो रहा था, झाग रूपी मोतियों को भर भर कर वह किसको दे रहा था, झाग रूपी मोतियों को भर भर के तारे रूपी माला को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहा है। उसमें जो तारे का प्रतिबिंब देख दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे तारे रूपी माला को तोड़ तोड़ करके उस जल में बिखेर रहा है। अब अगला देखिए कि चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल रेखाओं सी खिचरल तरल सरल। उसके बाद जब इस प्रकार जो उसमें पतवारों के चलने के कारण नदी में शांत जल में उठने वाली जो लहरें थीं वह कैसी प्रतीत हो रही थीं, इसमें कवि बताया है कि सांपों से रलमल नाचती रश्मियां जल में, सांपों से चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। कौन? जब चंद्रमा का चांदनी का प्रतिबिंब उस जल में पड़ रहा था और जल जो था वह चमकता हुआ सा प्रतीत हो रहा था और उसमें जब लहरें उठ रही थीं तो ऐसा लग रहा था जैसे सांपों की चमकती हुई और रेंगती हुई वह जलधारा प्रतीत हो रही थी। और इसके बाद इसका अर्थ है चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस ऐसा लग रहा था जैसे कि नाचती रश्मियां जल में चल, जो रश्मियां थीं जो किरणें थीं उस जल में प्रवेश करके नृत्य करती हुई दिख रही हैं। इसके बाद माने इसमें बहते हुए जल में असंख्य रश्मियां जो थीं ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी उसमें प्रवेश कर नृत्य कर रही है। रेखाओं से खिस तरल सरल तरल और नृत्य करती हुई जल में असंख्य रेखाएं खींच दी हैं, माने ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जब लहरें उठती हैं तो उसमें पीछे ऐसा लगता है जैसे रेखाएं खींच उठी हों, तो ऐसा लग रहा था आगे सांप सर्प जो है और रश्मियां उसमें प्रवेश करके दोनों मिल करके नृत्य कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए उसमें रेखाएं खींच रहे हैं। फिर उसके बाद लहरों की लतिकाओं में खिल सौ 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 उठ झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल, माने एक साथ उठती हुई बहुत सारी लहरें जो थी, एक चंद्रमा में सौ सौ चंद्रमा और एक तारे में सौ सौ तारे बनकर झिलमिला रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे गंगा रूपी खेत में लहर रूपी लताएं फल फूल रही हैं। इसमें देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे गंगा एक खेत हो और लहरें जो हैं उसमें बहुत सारी लताएं हैं जो उसमें बहुत माने उसकी सुंदरता को बढ़ा रही हैं, फल फूल रही हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लगी ले ले सहस्था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। अब किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहता है कि अब नदी की गहराई कम होने लगी और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें चूंकि प्रकृति का वर्णन है, शांत रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली पूर्वोत्त प्रतीकात्मक शैली और छंद है, अलंकार रूपक उपमा और अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, गुण प्रसाद गुण है, शांत रस होने के कारण इसमें प्रसाद गुण है। अब अगला पढ़ते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नव का नीला विकास शाश्वत, ससिका यह रजत हास शाश्वत, लघु लहरों का विलास हे जग जीवन के कण धार, जन्म मरण के आर पार शाश्वत, जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। अब देखिए इसमें शांत रस का वर्णन है। इसमें कवि कहता है कि जब
ज्यों ज्यों लगती नाव पार। अब कवि जो है, कवि ने नौका विहार के अनुभव का इसमें वर्णन किया है। इसमें कवि कहता है कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार, माने हमारी नौका जो है दूसरे किनारे की ओर ज्यों जैसे ही जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार, सद्विचार, आलोकित सद्विचार, माने सैकड़ों विचार जन्म ले रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे। और इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत जीव इस जीवन का उद्गम। और मैंने उस विचार में यह विचार किया कि मानो इस संसार का क्रम इस जलधारा के समान है। मैं कभी क्या कहता है कि जैसे हमारी स्थिति क्या थी, कि जैसे हमारी नौका किनारे जा रही थी, हमारे अंदर सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान है। जिस प्रकार निरंतर यह जलधारा निरंतर बहती चली जा रही है, आगे मैंने आगे जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, तो लहरें जैसे उठती हैं, एक लहरें गिरती हैं, दूसरी लहरें उठ जाती हैं, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। तो कवि क्या कहता है कि शाश्वत है गत शाश्वत संगम, इस धारा से जग का क्रम, संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान है। एक बार समाप्त होता है और जैसे ही एक समाप्त होता है, दूसरा उसमें विकास होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार जीवन का क्रम भी इस धारा मानी जलधारा के समान कभी न टूटने वाला क्रम है। उसके बाद शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सचिका यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कवि कहता है आकाश का यह विश्वा विस्तार जो है शाश्वत है। शाश्वत कहते हैं जो सत्य है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो आकाश का यह जो विस्तार है शाश्वत है, चंद्रमा की जो चांदनी है वो भी शाश्वत है, और माने चांदनी जो है वह भी चिरस्थायी है, लंबे समय से रहने वाली चीज है, लंबे समय तक रहने वाली चीज है। फिर उसके बाद लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है, शाश्वत लग लहरों का विकास। उसके बाद माने जो लहरें उठती हैं वो भी शाश्वत है, वो भी सत्य है। इसके बाद कवि क्या कहता है शाश्वत जीवन नौका, हाँ इसमें ये है, हे जग जीवन के कर्ण धार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। कवि कहता है कि संसार रूपी नौका को चलाने वाले हे जीवन के कर्णधार ईश्वर, इस जीवन की गति में जन्म और मृत्यु का मृत्यु शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। अर्थात मैं उसमें इतना लीन हो गया कि मैं ईश्वर उसमें महसूस करने लगा, और जीवन के कर्णधार ईश्वर को याद करते हुए कहा कि जीवन भी है वह शाश्वत है, माने वह कभी जन्म एवं मृत्यु के शाश्वत कर्म को बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। फिर उसके बाद कवि कहता है मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम प्रमाण करता मुझको अमृत दान। कवि कहता है कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व की सत्ता को ही भूल गया, और जीवन की शाश्वतता का यह जलधारा रूपी शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता था। मैंने मैं अस्तित्व ज्ञान में भूल गया कि मैं कौन हूं, और उस जलधारा के साथ मेरे भाव मिल गए। अब मैं ऐसा लग रहा था मानो मैं उस जलधारा में मेरी भी गत शाश्वत हो चुकी है। अब इसमें देखिए, पहले ही हमने बताया कि इसमें शांत रस है। क्यों शांत रस है? कि कवि ने जीवन के शाश्वतता पर, माने शाश्वत जो जीवन भी वही है कि एक बार कोई जन्म लेता है, उधर कोई मरता है, माने जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है, तो यह शाश्वत है, यह सत्य है। इसमें शांत रस है।
भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उसके बाद अलंकार जो है उपमा अनुप्रास रूपक और मानवीकरण अलंकार है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अब इसके साथ यह नौका विहार शीर्षक समाप्त हुआ। अब सामान्य हिंदी वालों के लिए एक शीर्षक और है, बापू के प्रति, वह अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।